देश में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार जारी है। महाराष्ट्र राज्य कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन की आशंका है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल खबर के मुताबिक लॉकडाउन के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। हालांकि भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन ने कहा है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की कोई योजना नहीं है। बता दें कि सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। सेंट्रल रेलवे ने ट्वीट करके जानकारी देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर गलत सूचना दी जा रही है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेलवे ने स्पष्ट कहा है कि ऐसी कोई श्रमिक स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई जा रही है, न ही चलाने की कोई योजना है। रेलवे ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की है। बता दें कि भारतीय रेलवे ने पिछले साल लॉकडाउन के दौरान श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया था। रेलवे ने 1 मई 2020 से कई श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई थी, जिससे लॉकडाउन के दौरान हजारों की संख्या में दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर अपने राज्यों में पहुंचे थे।